नमस्कार दोस्तों, आप सुरसा के बारे में तो जानते ही होंगे क्योंकि वह नागों की माँ कहा जाता है। कहते हैं उसे ब्रह्मा ने सुरसा को आशीर्वाद दिया था। वह समुद्र में रहती थी और उसे आशीर्वाद दिया था कि जो भी समुद्र के ऊपर से गुजरेगा वह उसका भोजन होगा। उसी के उपरांत पर दौरान भगवान हनुमान भी उसी समुद्र से गुजर रहे थे, तभी उन्हें उस बड़े नाग ने रोक लिया और कहा कि तुम मेरा आज भोजन बनोगे। तो भगवान ने कहा कि तुम भी मेरी माँ हो, क्योंकि मेरी पूंछ देखी है, मैं भी सांप जैसा नजर आता हूँ, मेरे मुंह पर मत जाओ, मैं भी एक नाग हूँ। तो वह कहने लगी, मुझे डराओ मत, तुम भी एक बंदर हो और मैं इतना स्वादिष्ट खाना कैसे छोड़ दूँ। और भगवान हनुमान को रोक कर उसने कहा कि तुम मेरे मुँह में प्रवेश करो। और उसकी बात सुनकर हनुमान ने उसे कहा कि मैं राम का सेवक हूँ और मैं सीता माँ का पता लगाने जा रहा हूँ, जिसे एक रावण उठाकर लेकर आ गया है और वह बहुत ज़्यादा दुखी होगी, उसके बारे में मुझे पता करना है। वह चाहते थे कि इसे पहले भाव के रूप से उसे सुधारें, लेकिन वह स्त्री के भाव को क्या जानती थी। उसने उससे काम नहीं चला और उसने हनुमान की बात ना मानकर उसे खाने का प्रयास किया। अंततः हनुमान ने उनकी बात मान ली और मानने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, तुम मुझे खा सकते हो। और उन्होंने अपना शरीर 10 मील बढ़ा लिया। और जैसे ही हनुमान ने अपना 10 मील शरीर चौड़ा किया, वैसे ही सुरसा ने भी अपना शरीर चौड़ा कर लिया। जितना शरीर हनुमान बढ़ाने लगे उतना ही सुरसा भी बढ़ाने लगी और एकदम हनुमान ने अपना छोटा सा रूप बनाया और उसके शरीर में घुस गए और उन्होंने कहा नमस्कार सांपों की देवी, लेकिन और उसके पेट से वह बाहर आ गए और उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि राम ने जिस व्यक्ति को सीता माँ के लिए चुना है, क्या वह सही व्यक्ति है जो सीता माँ की खोज करेगा। मेरी परीक्षा समाप्त हुई और तुम अब जा सकते हो, इस परीक्षा में तुम सफल हो, आशीर्वाद मेरा सदा बना रहेगा, यह सुरसा ने कहकर हनुमान को विदा दी। तो ये ली थी सुरसा ने परीक्षा हनुमान जी की। मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। Yeah.